Happy birthday to you. स्वागत है दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम गोकर्णा मेन बीच से जा रहे हैं ओम बीच, जो कि गोकर्णा में ही है। रास्ते में काफ़ी सारे मंदिर है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ओम बीच जा रहे हैं और ओम बीच का जो नाम है ओम, तो वो जो बीच है उसका शेप ओम के तरह है, इसलिए उस बीच को ओम बीच कहा जाता है। दोस्तों घना जंगल, अंधेरा, ना हमारे कोई आगे ना हमारे कोई पीछे, पर दोस्तों थोड़ी देर में हमको कंपनी देने के लिए दो कपल बाइक पर ही हमें दिख गए, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से कोई ट्रैवल करता भी है या नहीं, पर दोस्तों जब हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पर तो ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो हम लोग बाइक पे होने के कारण हम ओवरटेक कर पाए उस जैम को, और जब हम लोग ओवरटेक करके आगे चले गए तो दोस्तों फिर से हम लोग अकेले हो गए। फिर वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना हमारे आगे कोई था ना हमारे पीछे कोई था। घना जंगल और स्वाति और मैं अकेले वहाँ पर सफ़र कर रहे थे। तो दोस्तों थोड़ी देर में हम लोग पैराडाइज बीच के और पहुँचे, मतलब जहाँ से पैराडाइज बीच का ट्रैक शुरू होता है। तो यहाँ पर भी हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, मतलब उस रास्ते से कोई जा भी नहीं रहा था, कोई आ भी नहीं रहा था। और दोस्तों घना जंगल था, वहाँ पर गाड़ी नहीं लेकर जा सकते थे, तो गाड़ी यहीं पे हमें पार्क करनी थी और अंदर जाना था। तो ये रिस्क हम लोग लेना नहीं चाहते थे, बिकॉज वहाँ पर कोई जा ही नहीं रहा था। तो हमने पैराडाइज बीच को स्किप कर दिया और हम लोग चल पड़े ओम बीच की ओर। तो दोस्तों ओम बीच की ओर हमने वहाँ पर पार्किंग की, और वहाँ पर भी हमें ट्रैकिंग करनी थी, पर वो थोड़ा सेफ लग रहा था क्योंकि एक हाथ दो कपल वहाँ पर जाते आते हमको नज़र आ रहे थे, तो हमको वो सेफ लगा। और दोस्तों ओम बीच पर नाइट आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कपल वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बीच है वो, और वहाँ पे लोग भी रहते हैं, रात रात भर वहाँ पर कपल रहते हैं। तो इसलिए हम लोग ओम बीच पर अभी जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से अभी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, ये छोटा सा ट्रैकिंग है पर यहाँ से भी नज़ारा दिखता है। फिलहाल दोस्तों आपको ओम बीच का नज़ारा दिखाता हूँ जो यहाँ से हमें दिख रहा है। तो सैंड तो नहीं दिखेगी, बट समंदर दिखेगा, जो लहरें है वो लहरें आप देख पा रहे होंगे। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। दोस्तों मॉर्निंग में भी मैं आपको इसका नज़ारा दिखाऊंगा, अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं है। तो इस व्लॉग में आप लोग नाइट आउट हमने किस तरह से ओम बीच पर किया ये आपको हम लोग दिखाएंगे इस व्लॉग में। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, नीचे एक कैफ़े भी था, नमस्ते कैफ़े करके एक कैफ़े है। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम ओम बीच पर। हाउ डू यू फील बेबा? जैसे मरीन ड्राइव पर हम लोग बैठते थे, जैसे कहो ना प्यार में वो घूम गए थे ना, मेरे को वैसे फील आ रही है कि मैं एक आइलैंड में घूम रही हूं। नमस्ते कैफे भी पूरा भरा पड़ा था। ट्रैवलिंग के दौरान तो स्वाति को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट बीच पर पहुंचने के बाद स्वाति को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा वो एंजॉय कर रही थी जो रात का क्लाइमेट था। और कैफ़े तो मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा भरा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हे बेबड़ा लुक, Happy birthday to you. Wait, wait. Ah,
जाओ कहाँ रे दिस प्रॉन्स एंड स्क्विड फिश करी प्रॉन्स हाँ दिस इज प्रॉन्स गोल गोल है क्वांटिटी भी अच्छी खासी सब दो लोग के लिए नमस्ते कैफे एकोमोडेशन फैसिलिटी भी है एकोमोडेशन फैसिलिटीज लिखा हुआ है बट इंक्वायरी किया तो वो लोग ने बोला कि अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं कौन से बीच में गोकर्णा मेन बीच गोकर्णा मेन बीच वहाँ पे मिल जाएगा सारे रिसोर्ट छोटे मोटे तो ये थोड़ा डिसेंट था ट्राई करते हैं हाँ ये डिसेंट में हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रूम फुल हो चुके हैं तो अभी कोई लोकल में ही हमें स्टे करना होगा तो दोस्तों ओम बीच के यहाँ हमें रूम अवेलेबल नहीं मिला तो हम लोग फिर से जा रहे हैं गोकर्णा मेन बीच के यहाँ वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स हैं काफ़ी सारे होटल्स हैं छोटे मोटे तो वहाँ पर तो हमें डेफिनेटली रूम मिल ही जाएगा ऐसी हम लोग आशा करते हैं। दोस्तों स्वाति को इस बार डर नहीं लग रहा था घना जंगल था अंधेरा था ना कोई आगे था ना कोई पीछे था पर बावजूद इसके स्वाति को डर नहीं लग रहा था बिकॉज ओम बीच पर जो स्वाति ने फील किया जो एक्सपीरियंस किया वो इतना शानदार था कि मतलब क्या ही बताएं मतलब स्वाति को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप लोग गोकर्णा आते हैं तो ओम बीच को डेफिनेटली विजिट कीजिए